यह चीजें पानी में भिगोकर खाएं और हर बीमारी से छुटकारा पाएं। दोस्तों, रोजमर्रा की बातों की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती हैं। यह सभी चीजें हमें कई तरह की बीमारियों से बचाने में मदद करती हैं। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें रात भर भिगोकर रखने से इनके फायदे डबल हो जाते हैं, साथ ही ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। नंबर एक, मेथी। रात के समय मेथी को पानी में भिगोकर रख लें, फिर सुबह मेथी का पानी मैश करके पी लें। ऐसा करने से आपको जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी। आजकल यह एक आम समस्या है। मेथी का दाना भी पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यह कब्ज से राहत भी दिलाता है और आंतों को भी साफ करता है, साथ साथ हमारे पाचन को भी ठीक रखता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए मेथी दाना बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही मेथी का सेवन करने से पीरियड में होने वाले दर्द से भी राहत मिलती है। नंबर दो, चना। भीगा हुआ चना शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है। सुबह के समय भीगे हुए चने खाने से वजन कम करने में भी मदद मिलती है, साथ ही शरीर की थकावट भी दूर होती है। नंबर तीन, अलसी। एक चम्मच अलसी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप अलसी के बीजों को रात के समय पानी में भिगोकर रख दें और फिर अलसी सुबह पीसकर उसका सेवन करें। यह फाइबर, आयरन और प्रोटीन से भरपूर होती है और इसमें ओमेगा 3 भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि वजन घटाने, चेहरे पर ग्लो लाने और हार्ट जैसी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। साथ ही यह आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक करती है और वजन घटाने में भी बहुत मददगार साबित हो सकती है। अलसी का रोजाना सेवन करने से कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। नंबर चार, बादाम। बादाम को रात भर भिगोकर रखने के बाद इसका पोषण काफ़ी बढ़ जाता है और डाइजेस्ट होने में भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बादाम में अच्छे न्यूट्रिशन होने के साथ साथ बादाम मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। इसका सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की समस्या से राहत मिलती है। भीगे हुए बादाम वजन कम करने में मददगार होते हैं। साथ ही बादाम खाने से दिमाग भी बढ़ता है और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। नंबर पाँच, अंजीर। अंजीर विटामिन, मैग्नीज, पोटेशियम, फाइबर और फॉस्फोरस से भरपूर होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। अंजीर को रात भर पानी में भिगोकर रख दें और फिर अगली सुबह खा लें। अगर आप इसका सेवन कंटिन्यू करते हैं तो इससे शरीर बिल्कुल नए जैसा हो जाता है। नंबर छः, मुनक्का। मुनक्का दिखने में किशमिश जैसा होता है लेकिन साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। मुनक्के में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन पाए जाते हैं। ये स्किन को ग्लोइंग बनाने और शरीर में खून की कमी को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही यह शरीर की कमजोरी को भी बहुत अच्छे से दूर करता है। नंबर सात, पिस्ता। पिस्ते का इस्तेमाल ज़्यादातर मिठाई और स्वीट्स में किया जाता है। आप इसे पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाएं। पानी में भिगोने से इसमें पोषक तत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। और सुबह पिस्ते और अखरोट को मिलाकर खाएं, इससे वजन कम होता है। और पिस्ते और अखरोट फाइबर और ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं, जो कि पाचन को बहुत अच्छे से बढ़ा देता है और कमजोरी को कुछ ही दिनों में दूर कर देता है। नंबर आठ, अखरोट। आप पानी में भीगे हुए 2 अखरोट का सेवन सुबह उठते ही करें। अखरोट मस्तिष्क की सेहत को सही बनाए रखता है, याददाश्त और एकाग्रता क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसे अच्छे से याद नहीं रहता या आपको दिमाग की कमज़ोरी है तो उसे अखरोट खिलाएं। अखरोट खाने से दिमाग तेज़ी से काम करता है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अखरोट का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आगे बना सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।